कांदीवली में व्यापारियों की दुकानें बंद हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद मुंबई के कांदीवली में व्यापारियों ने शहीदों की याद में और पाकिस्तान के खिलाफ 1.5 किलोमीटर तक शांति मोर्चा निकालकर विरोध जाहिर किया। इस दौरान सभी व्यापारी मंडल दुकानें बंद भी रखे हैं। इस शांति मार्च के दौरान लोग पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए पुलवामा में हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार से मांग की। महिलाएं भी शहीदों के परिवार की तरफ तकलीफ और दर्द को महसूस करते हुए गुस्सा जाहिर की है। ये युवा की तो एक ही मांग है कि जिस हिसाब से पाकिस्तान ने ये अपघातित हमला किया है उसी हिसाब से हम भी सरकार से एक ही उम्मीद रखते हैं कि उनको भी उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। आज ये हमारे यहाँ का जो व्यापारी मंडल आज एक दिन के लिए जिस हिसाब से अपना दुकान बंद करके इस विरोध को प्रकट किया है, अगर सरकार अपना इस पर कड़ी एक्शन नहीं लेती है तो आने वाले टाइम पे हम पूरा हिंदुस्तान बंद करा के रखेंगे। एक मिनट साहब, हमारे अंदर तो इतनी गुस्सा है कि हम अपने सभी राजनेता को ये बताना चाहते हैं कि इस जैसी अगर हालत दोबारा हुई तो हम इनको नहीं छोड़ेंगे। हमारे सैनिक भाई और हमारे किसान, ये दो स्तंभ है हमारे देश के, और इन दोनों के लिए हमेशा भारत की जनता रास्ते पे उतरेगी और इसी प्रकार रहेगी। लेकिन आने वाले समय में सभी राजनेता जान ले, अगर जिसने इनके खिलाफ या इनको अड़चन की या इनको रोके तो हम लोग उनको बख्शेंगे नहीं। ये इतनी आक्रोश सब में भरी हुई है यहाँ के देश के जनताओं में। आप एक महिला है, कई माँ बहने मैं ये कहूँगी कि आज जैसे माँ अपनी बेटे को खो दी, एक औरत अपना सिंदूर खो दी, एक बच्चा बाप खो दिया, उस अनाथ को कौन देखेगा, कौन सुने? कोई किसी की झोली नहीं भरता, लेकिन मेरे भारत भाइयों के लिए मैं हमेशा उनको सत नमन करती हूँ और जय हिंद बोलती हूँ। जय हिंद, जय हिंद। आपल्या भारत देशामध्ये अनेक असे आतंकवादी हमले होते हैं, परंतु पाकिस्तानाकडून आणि मीडियाकडून असं सांगितलं जातं की काही हमले होत नाहीत, परंतु सर्वांनी पाहिलेलं आहे की या दरम्यान किती हमले झालेले आहेत आणि किती शहीद झालेले आहेत। त्यामुळे या सर्व शहीदांसाठी आम्ही सर्वांनी इथे रॅली काढलेली आहे त्यांच्या शांतीसाठी, आणि पुन्हा एकदा भारत मातेवरती असे काही आतंकवादी हमले होऊ नये याची दक्षता सर्व मंत्रिमंडळाने घ्यावी।